दोस्तों आप सबके ना मैसेजेस देख रहा था, जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपके रिक्वेस्ट आती हैं वो देख रहा था। आई वॉज गोइंग थ्रू दोज मैसेजेस, तो एक ना बड़ा यूनिक सा मैसेज था। देर आर सो मेनी रिक्वेस्ट एक्चुअली जो इन क्यू हैं, लेकिन मुझे एक बहुत हटके लगा और वो था अपने बालों को लेके। एक सज्जन ने पूछा कि बाल जैसे ना बहुत ड्राई हैं, बेजान हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर वॉज कि वो ना एंटैंगल्ड हो गए हैं, गुच्छे से बन गए हैं। जैसे देखे तो एंटैंगल्ड है ना, गुच्छे से बन, लटें बन जाती हैं ना, जैसे साधु लोगों की होती हैं, बहुत मोटे मोटे जैसे बाल, ऐसे रफ बेजान। क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई दवा है जो यहाँ काम करेगी? सो आई वॉज गोइंग थ्रू दोज मैसेजेस, तो मैंने ये मैसेज पिक किया क्योंकि ना ऑलरेडी बालों को लेके 2-3 वीडियोज हैं, और लेटेस्ट ही एक जैसे स्ट्रेट टॉक सीरीज रखी थी जो कि हेयर फॉल को लेके थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग कारणों की वजह से बालों का झड़ना। तो दिस विल आई थिंक कंप्लीट दैट सीरीज। आज का जो रिक्वेस्ट लिया है ना, ये इसीलिए बालों को लेके लिए, सो दैट वो कंप्लीट हो जाएगी। आज भी स्ट्रेट टॉक सीरीज रहेगी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात में, द स्ट्रेट टॉक ऑन हेयर। बालों की बात करेंगे, बाल झड़ने नहीं, बाकी सब देखेंगे। और बहुत से ऐसे रोग हैं, ऐसी दिक्कतें, ऐसे लक्षण हैं जो कि हमारे बालों को लेके हम परेशान रहते हैं, ठीक है, एक ही करके लेंगे। आई हैव एडेड नंबर ऑफ सिम्टम्स, और डायरेक्ट लक्षणों की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं की, क्या डोज, क्या पोटेंसी और कैसे लेनी है। तो सबसे पहले ना यही रिक्वेस्ट लेते हैं, बाल इकट्ठे हो जाते हैं, डर्टी हैं, मैले कुचैले हैं, गंदे हैं, उलझ जाते हैं आपस में, जैसे ना गुत्थे हो जाते हैं, यू अंडरस्टैंड दैट, टैंगल्स हो जाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दे नीड टू गेट अ हेयर कट। इतना बुरा लगता है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनको काटना पड़ता है, लेकिन काटने के बाद अगले दिन फिर से वही सेम प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वो आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथी यहाँ मदद करती है दोस्तों, नोट कीजिएगा, सिंगल मेडिसिन कैन हेल्प यू हेयर, दैट इज बोरेक्स। बोरेक्स ना बालों के इन ऐसे लक्षणों में भी हमारी मदद करती है। 30 cc में स्टार्ट करें, दिन में 2 बार दें, इसको लगातार कंटिन्यू करें फॉर एटलीस्ट 15-20 डेज, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लक्षणों में ना बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। देर आफ्टर यू कैन रिड्यूस द डोज, एक दिन छोड़ के दें, देर टेपर करके बंद करेंगे। बोरेक्स 30 cc, एक्सीलेंट रिजल्ट्स जहां ये दिक्कत रहती है, द हेयर गेट एंटैंगल्ड और बार बार हो जाते हैं, मैले कुचैले हैं, डर्टी हैं बाल, याद रखिए बोरेक्स 30 cc। दोस्तों माओं को ना अक्सर कंप्लेंट रहती है कि बच्चों के बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ जैसे होनी चाहिए बालों की वैसे नहीं हो रही है, स्लो ग्रोथ लाइक वी कॉल, है ना, बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति से। अगेन सिंगल मेडिसिन, दैट इज थूजा। थूजा हाई पोटेंसी में देंगे हम, 200 cc में दे सकते हैं, उसको हफ्ते बाद 10 दिन बाद रिपीट करेंगे। यू कैन गो अप टू थूजा 1 mm एज वेल, वो हम 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एसोसिएटेड सिम्टम्स देख लीजिएगा, लेकिन सिंगल मेडिसिन कम्स टू रेस्क्यू, दैट इज थूजा। कई बार ना बच्चों में या बड़ों में भी ऐसा देखा गया है कि कंघी फेरने के बाद भी ना नेचुरली जैसे वो ना कर्ली हैं, हेयर घुंघराले बाल हैं, नहीं सूट करते कई बार चेहरे पे, तो बदलाव चाहते हैं। अगर घुंघराले बाल आ रहे हैं, कर्ली हेयर आ रहे हैं, जस्ट टू स्ट्रेटन देम अप वी हैव टू इंपॉर्टेंट रेमेडीज। पहली है कैली आर्सेनिकोसम, नोट कीजिएगा, कैली आर्स हम इसे कहते हैं, अगेन 30 cc में दिन में 2 बार दे सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज मिजीरियम, मिजीरियम यहाँ काम करती है, आगे भी आप बात करेंगे कुछ लक्षणों की। मिजीरियम इज अ वेरी गुड मेडिसिन जहाँ बालों की बात चल रही है, यहाँ अगर कर्ली हेयर है ना, कुंगराले बाल है, मिजीरियम अगेन 30 cc में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कई बार हमने देखा है बच्चों में अक्सर देखा गया है, देयर आर 2 stranded हेयर, पूरा का पूरा जो हेयर स्ट्रैंड है ना, पूरा बाल जड़ से लेके अखीर तक, देयर 2 stranded, दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है, थूजा कैन हेल्प अस हियर अगेन, एंड सेकंड इज बोरेक्स, 2 important दवाएं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन लक्षण है, दो मुंहे बाल हमने अक्सर देखे, 2 stranded अगेन, अगर टिप्स पे है, अगर बिल्कुल अखीर में, स्ट्रैंड पूरा नहीं लेकिन अखीर में 2 मुंहे बाल रहते हैं ना, यहाँ एसीडम फ्लोरिकम कैन हेल्प अस, और बोरेक्स तो देनी है, ठीक है। 30 cc में ऑल दिस मेडिसिंस आर गोइंग टू हेल्प यू, लगातार दीजिएगा, इंप्रूवमेंट दिखेगी। एक और बहुत कॉमन लक्षण है, कंप्लेंट है माओं को अक्सर रहती है, बच्चियों के साथ ज्यादा रहती है, कि बाल घने नहीं है, नॉट मच डेंस हेयर, कैल्केरिया फॉस्फोरिका यहां काम आती है। 30 cc लगातार दें, दिन में 2 बार।
अच्छा एक ना हर्सुटिज्म की फिर दोबारा से रिक्वेस्ट आई थी। हर्सुटिज्म जैसे ना अनचाहे बाल चेहरे पे हो जाते हैं, बॉडी के हिस्से में हो जाते हैं, महिलाओं में, बच्चों में अक्सर देखा गया प्यूबर्टी की रेंज एज में आके ना, तो जहाँ नहीं होने चाहिए चेहरे पे, फॉर एग्जाम्पल द अपर लिप्स, द चिन, अराउंड द नेक, तो यहाँ अगर बाल ऐसे हो जाते हैं अनचाहे बाल, इनको अगर रोकना है ना तो तीन इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, थूजा है, सेकंड इज टेरेंटुला एंड थर्ड इज ओलियम जैक। इस पे ना डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी की हुई है हर्सुटिज्म के ऊपर, अलग से वीडियो है पूरा, लेकिन ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, तो अंडरलाइन कॉज पे काम करेंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये यहाँ आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, यहाँ काम करेगा। अगर ऐसा कुछ रहता है तो सबसे पहले दिन हम देंगे थूजा 1 ml देंगे पोटेंसी में, ठीक है, उसके बाद सिंगल डोज देंगे, 4 दिन कोई दवा ना दें। देन विल टेक अप ओलियम जैक 30 cc पोटेंसी में, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 1 बार भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, एज क्या है पेशेंट की। ओलियम जैक 30 cc अगर माने दिन में 1 बार दे रहे हैं ना, तो कम से कम 15 दिन लगातार दीजिएगा। उसके बाद शिफ्ट कीजिए डोज, ओलियम जैक 3x पे आसानी से मिल जाती हैं टैबलेट्स, दिन में 2 बार लगातार दीजिए, ओवर कंटिन्यूटी पीरियड ऑफ टाइम लगातार दीजिए, जब तक कि वो अनचाहे बाल खत्म ना हो जाएं, द अनवांटेड हेयर विल एंड, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये ऐसा भी होता है कि एक बार हमने हेयर कट करवाया ना, तो उसके बाद कोई डिजीज़ होगी, कोई बीमारी होगी, चाहे वो चमड़ी को लेके आए, हमारे स्कैल्प को लेके आए, कोई एलर्जी हो गई है, हेयर कट के बाद अगर कोई डिजीज़ ऐसा हुआ है, बेलाडोना एंड ग्लोनाइनम 2 important रेमेडीज विल हेल्प। छोटी पोटेंसी स्टार्ट किया करें हमेशा, 30 cc आइडियल टू बिगिन विद। बड़े बेजान से हो गए हैं बाल, सूखे रूखे, रूखे सूखे बेजान से, ड्राई, लस्टरलेस, उसमें कोई ना चमक नहीं है जैसा होना चाहिए, सॉफ्ट एंड स्मूथ नहीं है, सिल्की हेयर नहीं है, और वो आपस में जुड़ जाते हैं बेजान से, रूखे सूखे बाल। अगर ऐसा कुछ है सोराइनम याद रखिएगा, सोराइनम 30 cc ओवर पीरियड ऑफ टाइम दें, इसको फर्क पड़ता है। अच्छा एक बार ना एक सिम्टम ऐसा भी लक्षण आया था, आई रिमेंबर इन द क्लिनिक पेशेंट वॉज कंप्लेनिंग, बाल अगर कंघी कर रहे हैं बच्चों के ना, कंघी करते समय छींके शुरू हो जाती है ना, दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक काइंड ऑफ सिम्टम, ये लक्षण बहुत हटके है, होता है, लेकिन वी हैव एन आंसर इन होम्योपैथी, सिलीशिया दीजिएगा, सिलीशिया से आराम आता है 200 cc में 2 से 3 डोजेज दें, सफिशियंट रहती हैं, अगर ऐसा कुछ दिक्कत है सिलीशिया विल टेक केयर ऑफ। रूखे सूखे बेजान बालों की बात की है ना, कई बार ऐसा नेचुरल रहता है कि जैसे बहुत स्टिकी हेयर है, आपस में चिपके हुए बाल हैं, जैसे ना ग्रीस मली हुई है बालों पे, इतना चिपचिपाहट सी रहती है, ऐसे अगर ग्रीजी बाल हैं, अगर ऐसे चिपचिपाहट वाले स्टिकी हेयर है, एसिडम फॉस्फोरिकम विल हेल्प अस। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज मिजीरियम। अगर कभी ऐसी कंप्लेंट भी आए ना कि बालों का रंग बदल गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, बालों का कलर जैसे ब्लैक से ब्राउन हो गए हैं, होते होते रेड कलर में हो गया है, या लाल कलर हो गया या ब्राउन कलर हो गया, दोस्तों फॉस्फोरस इज आइडियल, सेकंड इज आयोडियम, ये 2 important दवाएं हैं, 30 cc में दे सकते हैं, रिपीट करेंगे हम जब तक कि वो नेचुरल कलर वापस नहीं आ जाता। दोस्तों शायद वो हेयर फॉल वाले वीडियो में ना 1-2 point मिस हो गए थे, वो मैं अब कवर करता हूँ। बार अगर झड़ते हैं ना, हमारे आईब्रोज से झड़ते हैं, आईब्रोज ये जो बालों के ऊपर वाला एरिया रहता है जहाँ बाल है ना, अगर यहाँ से भी झड़ते हैं, इट इज सीन भरवटें परवटें पंजाबी लाइक वी कॉल एंड आईब्रोज, तो यहाँ कैलिकाबानिकम काम करती है, 30 cc में दिन में 2 बार दे सकते हैं। अच्छा अगर थोड़ा नीचे आए आँखों के ऊपर, जैसे ना ये जो पलकें हैं हमारी, दी आई लैशेज, अगर आई लैशेज से बाल झड़ते हैं, देन अ सिंगल रेमेडी कैन हेल्प अस, दैट इज रस्टॉक्स, 30 cc में दें, 2 से 3 बार दें, लगातार दें, ये बाल झड़ने ना रुक जाते हैं। और अगर किसी बंदे का जैसे ना पसीना बहुत आता है, गंदगी है, बाल बहुत झड़ते हैं और ऑफेंसिव स्मेल रहती है पसीने में ना, स्मेल है, डर्टी हेयर है, हेयर फॉल हो रहा है, सल्फर, 200 cc में दे सकते हैं सिंगल डोज, वेट फॉर द रेमेडी टू एक्ट, उसे एक्ट करने का समय दीजिएगा, रिपीट कर सकते हैं 10 दिन में, ये फर्क पड़ता। तो दोस्तों आज के स्ट्रेट टॉक सीरीज में आई हैव ट्राइड टू कवर मेजर इश्यूज बालों को लेके, जो झड़ने के अलावा और भी जो इश्यूज रहते हैं, आई हैव ट्राइड टू कवर अप दैट।
अगर कुछ आपको लगता है कोई और लक्षण है जो आपको, कोई ऐसी और समस्या जो आपको तंग कर रही है, यू कैन ऑलवेज मेंशन, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे, आप मैसेज कर सकते हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com। सीधी बात है ना, तो डायरेक्ट आपका नाम लेके आपके साथ शेयर करेंगे, इसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग आउट अ सोल्यूशन इन होम्योपैथी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।